Hi guys, if you are the aspirant of testnet examination, then this video is very very handy for you people, because in this video we'll talk about five major reasons why student flunk to score good marks or fail in the testnet examination. So watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for the testnet 2023 or the 24 examination. There are the many reasons it could be, but five major reasons I will be covering in this video. But yeah, before that, in case if you want to start your preparation, want to join us for the live class or the classroom, if you are Mumbai based, then this is what the number for the Mumbai based classroom coaching if you want to join. And online live classes ko lekar ke, you can contact on 8828581455. Okay, and these are the complete curriculum which you will be getting for your preparation. So we have launched the batches 2021 se hi chalu ho gayi hai batch December se. So many students have started their preparation, so don't delay your preparation. All details with regards to the batches I have mentioned description, kindly check the description. So without wasting time, let's start the video. Very first reason is nothing but the competition. Okay, you should know about the competition, kitne log exam likhne wale hain and what kind of a people will be writing the examination. Like ideally 45 to 50,000 applicant appear for the testnet examination. Okay, और जो टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एमबीए एंट्रेंस, दे गो फॉर द टेस्टनेट. कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट या लॉ एस्पिरेंट ऑल्सो गो फॉर द टेस्टनेट एग्जामिनेशन. ओके, सो आप फ्रेशली सिर्फ टेस्ट टारगेट कर रहे हो, दूसरे एग्जाम्स अगर आपने लिखे नहीं या प्रिपेयर नहीं किए, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है. एंड बेसिकली दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि आप फाइट करने जा रहे हो, बैटल फील्ड पर जा रहे हो, बस पता ही नहीं है कि क्या कॉम्पिटिशन है, किससे फाइट करना है, क्या वेराइटी के लोग आने वाले हैं. ठीक है, so before you start your preparation, do hunt for the competition, what kind of a people and what varieties of people will be writing the examination. Accordingly I will be planning myself for the preparation. So ye aapka number one reason hai. In this also, in this 45 to 50,000 also, approximate 50 to 20,000 people write the HRMLR and the ODCL courses, jo unka flagship course hai. And jo remaining एप्लीकेंट्स हैं नॉन एच आर एम एल आर एंड ODCL के लिए, दे गो फॉर लाइक आपका एम पी एच हो गया, एम एच ए हो गया, आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया, आपका एनआईटिक्स हो गया, आपका डेवलपमेंट स्टडी. सो ऑल दिस काइंड ऑफ अ कोर्सेज दे अप्लाइड. ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन यू शुड अंडरस्टैंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द टेस्टनेट एग्जामिनेशन. सेकेंड रीजन इज नथिंग बट द ओवर कॉन्फिडेंट और द अंडर कॉन्फिडेंस. ओके, सो सम ऑफ यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द अदर एग्जामिनेशन, या तो कैट वगैरह MBA के अदर एंट्रेंस इफ़ यू हैव प्रिपेयर फॉर. सो इफ़ यू थिंक कि टेस्टनेट मेरा आराम से निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिकॉज टेस्ट एंड कैट और द एनी अदर MBA एंट्रेंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम. सो टेस्ट लिखने के लिए यू हैव टू थिंक लाइक अ टेस्ट एस्पिरेंट. टेस्ट इज मेनली आपका GK वाला एग्जाम है ये, तो जिसके अंदर GK आपके भर भर के आने वाले हैं. सो इफ यू हैव अपीयर फॉर द सम अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. ओके, डेफिनेटली दैट प्रिपरेशन विल हेल्प यू इन टेस्टनेट, बट नॉट कम्प्लीटली. ओके, एंड अंडर कॉन्फिडेंट इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स, GK आपका प्रॉब्लम है, एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन और वर्बल इज द प्रॉब्लम, देन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. यू गॉट द टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड डेफिनेटली यू हैव टू फाइट द कॉम्पिटिशन. इंडिया लेवल का एग्जाम है, इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन होने वाला है. सो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बिफोर यू डू एनी थिंग इन योर लाइफ. सो चाहे वो आपका टेस्टनेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका कोई भी वर्क हो. ओके, सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू टेक केयर वाइल टारगेटिंग फॉर द टेस्टनेट एग्जामिनेशन. थर्ड रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पुअर क्वालिटी. आई एम राइटिंग टेस्टनेट सिंस 2019, सो अभी मैं टेस्टनेट 2023 भी लिखूंगा. आई राइट दिस एग्जाम जस्ट टू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कमिंग अप, वॉट इज द प्रेशर कमिंग अप इन द गिवन टाइम, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया हुआ है. ठीक है, सो सेम काइंड ऑफ अ क्वालिटी यू गेट इन योर मॉक टेस्ट ऑल्सो, इन योर लेक्चर ऑल्सो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट क्लियर द एग्जामिनेशन इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर. ओके, दैट इज अ रीजन. So do join the right institute who will help you to clear the testnet examination. Obviously we write some other entrance also, but at the same time when it's come to the testnet exam, आपको test की तरह सोचना पड़ेगा. Proper quality वाले content चाहिए, GK के material proper चाहिए अपने को. And yeah, obviously very very important, that is nothing but the mock test. At Manuver we launch every year 25 mock tests, full length mock test. मतलब 125 mock tests into 100, मतलब हो गया कितना, 2500 क्वेश्चन. यू विल बी प्रैक्टिसिंग ओनली फ्रॉम द फुल लेंथ मॉक, टॉपिक और सेक्शन वो साइड में कर दो, जो आप बुक में प्रैक्टिस करोगे वो अलग कर दो. मतलब इतने क्वेश्चन को अगर आपने टू टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया, तो आई कैन बेट यू यू कैन
top in the examination, else you will be definitely getting into the TISS campus. Okay. Fourth mistake which people do, which is nothing but they start their late preparation. This is the biggest mistake people do. लास्ट में अगर आपने प्रिपरेशन चालू की तो सिर्फ सिलेबस ही फिनिश कर पाओगे. एग्जाम को क्रैक कैसे करना है वो लर्निंग के लिए आपको टाइम लगेगा. ओके, सो दैट इज़ वाई आप वीकेंड बैच भी चालू करते हो सैटरडे संडे, देन ऑल्सो इट इज़ ओके. एटलीस्ट वो टिस वाले क्लाउड में एनवायरमेंट में आप आ जाते हो, ओके मेरी प्रिपरेशन चालू हो गई है. एंड ग्रेजुअली जब एग्जाम नज़दीक आता है तो आपका यू नो यू गेट टू नो मेनी थिंग्स और लास्ट में आप थोड़ा टाइम निकाल के प्रिपेयर करके यू क्रैक द एग्जामिनेशन. सो ऑलवेज start your early preparation without fail. This is what all time I advise to all the student. Last में आओगे तो difficult होगा पूरा syllabus cover करना, crack करना. ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर पाते, but yeah, if you don't want to take chance, so definitely you should start your early preparation without fail. Fifth mistake, which is again very important, wrong guidance and syllabus को लेके proper study करना is important. Okay, so syllabus आपको क्या exactly tests में prepare करना है, स्पेसिफिक टू टेस्ट नेट एग्जामिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड ओबियसली टेक द गाइडेंस हु हैव अपीयर फॉर द एग्जाम, हु हैव रिटन द एग्जामिनेशन, हु हैव एनालाइज द पेपर. सो इफ यू टेक द गाइडेंस फ्रॉम सच काइंड ऑफ मेंटर और द पीपल, तो डेफिनेटली अपना विन विन सिचुएशन एग्जाम को लेकर रहेगा. बट टू टेक द रॉन्ग गाइडेंस, मतलब फ्रेंड से पूछ रहे हो, फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हो कि टेस्ट के बारे में, जिन्होंने एग्जाम लिखा नहीं उनको पता नहीं है, तो वो आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, सुनी हुई बात देंगे, तो वो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर एंड वी कैनॉट टेक चांस व्हेन इट्स कम टू आर करियर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज वॉट द फाइव मेजर रीजन्स वाई स्टूडेंट डोंट स्कोर और दे फेल इन द टेस्ट नेट एग्जामिनेशन. वो रिपीट करते हैं बाद में, मतलब गलती जो हो गई है एक साल तो गलती करते हैं एंड नेक्स्ट ईयर वो गलती को फिर सुधारते हैं, इंप्रूव करते हैं, मतलब दो साल वेस्ट होता है. सो आई डू नॉट रिकमेंड टू वेस्ट योर ईयर. जो एक्सपीरियंस आई हैव गेन और द यू गॉट फ्रॉम योर मेंटर, काइंडली अप्लाई द सेम सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. टू 2023 एंड 24 को लेके बैचेस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. अगर प्रिपरेशन करनी है आपको तो क्लासरूम कोचिंग के लिए मुंबई यू कैन विजिट बोरीवली दादर एंड वैसे इफ यू आर नियर टू मुंबई. एंड यू डू सब्सक्राइब आवर सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मेन्यूअर टेस्ट सेंटर, जहाँ पे आपको टेस्ट स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे. टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे आपको एग्जाम अपडेट, जीके क्वेश्चन, वो कैप के क्वेश्चन, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग यू गेट. ओके, सो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करनी है, बुक्स ऑर्डर करना है, मॉक टेस्ट, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. बट वंस अगेन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.